प्यारी सुबह के साथ वो आ गई है मेरी प्यारी प्यारी चाय। अप्लाइंग सनस्क्रीन, बिकॉज सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, तो स्किन जल जाती है, मेरी ऑलरेडी जल गई है। उस जगह पे राम भगवान ने आके मेडिटेशन किया था रावण जी को मारने के बाद। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ए दिस इज समथिंग एल्स मैन, दिस मशीन खराब हो गया। वेलकम टू माई YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ मधु शर्मा। अगर आप व्यू देखेंगे बाहर तो बहुत ही प्यारा है। प्यारी सुबह के साथ वो आ गई है मेरी प्यारी प्यारी चाय। सुबह सुबह की ब्लैक टी विथ लॉट्स ऑफ जिंजर, काली मिरी एंड एवरीथिंग, ताकि हमारी सुबह बहुत अच्छी हो जाए। आज का हमारा 7 किलोमीटर का ट्रेल है, सो जल्दी जल्दी तैयारी करनी है बिकॉज 9 o'clock हमको निकलना है। तो मैं फटाफट ख़त्म करती हूँ अपनी चाय, करती हूँ ब्रशिंग पैकिंग और फिर हम निकल पड़ते हैं। सी यू ब्रेकफास्ट के लिए। शालमी कैंप साइट का नज़ारा, वहाँ मेरे ट्रैक मेंबर्स खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। बहुत ठंड है और आप देख सकते हैं वहाँ पे वो तीन पीक्स के बीच में जो एक पीक खड़ा है वो है हमारा समिट। हम लोग को कल वहाँ जाना है। उसके नीचे ही तुंगनाथ टेम्पल है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, और उस जगह पे राम भगवान ने आके मेडिटेशन किया था रावण जी को मारने के बाद। तो बोलते हैं वहाँ जाने के बाद बहुत पीस मिलता है। तुंगनाथ से सिर्फ आधे घंटे का रास्ता ही है ऊपर, पर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो आप सोच सकते हैं हम लोग यहाँ से वहाँ जाना है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अप्लाइंग सनस्क्रीन, बिकॉज सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो स्किन जल जाती है, मेरी ऑलरेडी जल गई है। हर 3 घंटे में वापस रीअप्लाई करना ज़रूरी है, इसलिए मैं कोई मेकअप नहीं कर रही हूँ। स्किन संभालना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रेकफास्ट लग गया है तो मैं फटाफट रेडी होकर जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। सुना है ब्रेकफास्ट में बहुत वैराइटीज़ हैं, आई वांट टू गो एंड चेक, क्योंकि सब लोग बहुत पुसर पुसर कर रहे हैं कि बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। ये हलवा है, देर इज चीला, देर इज पैनकेक्स और साथ में कॉर्नफ्लेक्स भी है एंड दूध और बोनवीटा। सो काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट है, हेल्दी के साथ साथ वेरी टेस्टी ऑल्सो। आज धूप निकल गई है इसलिए कोई भी टेंट में बैठ के नाश्ता नहीं कर रहा है, सबके सब बाहर है बिकॉज सब धूप सेक रहे हैं। बहुत ठंडी थी आधा घंटा पहले, इट वॉज -3 एंड नाउ अच्छा लग रहा है, धूप आ गई है। तो काफी लोग का रीडिंग आ नहीं रहा है बिकॉज टू कोल्ड, उसके जैसे मशीन ने भी गिव अप कर दिया है। अमृता, आई न्यू इट्स यू ओनली। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ए दिस इज समथिंग एल्स मैन, दिस मशीन खराब हो गया मेरा। सो आज ब्रंच के लिए हमें मूली का पराठा और अचार मिला है रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है, 8 से 9 किलोमीटर, मुझे लगा 7 किलोमीटर है बट इट इज़ 9 किलोमीटर्स। आई कैन सी माई बनियाकुंड का कैंप साइट फ्रॉम हियर, यहाँ से सामने वाले पहाड़ पे है हमारे समिट के काफ़ी नीचे। सो रास्ता काफ़ी लंबा है तो इसके लिए ब्रंच इज़ रेडी एंड वी आई एम जस्ट डूइंग ऑल माई पैकिंग ताकि सब पैक करके फटाफट निकलूँ। इट इज़ 8:40, टाइम नहीं है, 20 मिनट से पैकिंग करना है।
सर हम लोग तो तैयार हो गए निकलने के लिए। आज का सफ़र 7 किलोमीटर आज का सफ़र 8 से 9 किलोमीटर का है एंड वी आर गोइंग टू बनिया कुंड फ्रॉम शालमी। आज थोड़ा सा हाइट भी गेन करेंगे हम लोग एंड यू कैन सी वहाँ पे कहीं पे दूर हम लोग का कैंप साइट है बनिया कुंड। एवरीबडी इज गेटिंग रेडी एंड आर टेक लीडर शाउटिंग चलो रेडी हो जाओ निकलने का टाइम हो गया। इट्स 9 वी वर सपोज टू लीव बाय 9 वी ऑल रेडी ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स का यहाँ वहाँ होने वाला है एंड आज का वेदर बहुत क्लियर है नाइस सनी वेदर। सूरज भगवान आ गए हैं आज सो हम लोगों को व्यू एकदम क्लियर। जो कल बहुत ही क्लाउडी था आज बिल्कुल क्लाउडी नहीं है आज बहुत क्लीन वेदर है। सो हम निकल रहे हैं एंड यू ऑल्सो कम विद मी। कौन सा स्टार्ट करना है? उसे डी में बैंड करना है तब नहीं निकलेगा। पूरा जोर नीचे रखना है डी में ऐसे ऊपर खड़े रहो। हाँ। पूरा बैंड रखो इसे ताकत से खींचते रहो खींचते रहो सीधा आएगा उसे मत मिस्टेक। So, मैंने अपना टेंट अनपिच कर दिया है बैग में पैक कर दिया है थैंक्स टू हिम ही हेल्प मी उन्होंने पूरा हेल्प किया थैंक यू सो मच। हम लोग निकल पड़े हैं और रास्ते में मिलती हूँ और आपको अपडेट करती रहूँगी। सकते हो दैट इज द समिट और उसी के नीचे ये है हमारा 3rd कैंप साइट बनिया कुंड। अब यहाँ जाना है इट विल टेक अराउंड मेरे ख्याल से 3:30 बजे हॉट लंच के लिए हम लोग वहाँ पहुँचेंगे एंड हमारे ट्रेक लीडर ने कहा है द ट्रेल इज़ वेरी ब्यूटिफुल बीच में पूरा फॉरेस्ट का ट्रेल आने वाला है। सो वो है समिट ये वी कमिंग टुमारो दूसरा भाई पटेल पीछे आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है आपके पास बैग है ना झुक के हवा पड़ता है जब भी सब पेड़ गिरे मिलते हैं एंड सो हमारा पहला वाटर ब्रेक आ गया है। काफ़ी नीचे उतर गए हम लोग को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो रिवर का साउंड सुनाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ सूज गए हैं ये हाई एल्टीट्यूड में मुझे होता है फेस भी सूज जाता है बॉडी भी सूज जाती है। आई डोंट नो वाटर रिटेंशन होता है क्या प्रॉब्लम आई डोंट नो बट ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है पिछले ट्रैक में भी था और इस ट्रैक में भी सेम प्रॉब्लम हो रही है जिस जिस ऊपर जाते जा रही हूँ हाथ और फेस सूजता जा रहा है। इफ आप लोग के पास कोई रेमेडी है इसके लिए तो प्लीज़ बताना मुझे एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस यू कैन सी एवरीवन हैविंग वाटर बिहाइंड वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में डिहाइड्रेशन होना इज़ बैड मतलब वो AMS का स्टार्ट हो सकता है पर अगर आपको AMS हो गया तो यू हैव टू गो डाउन ये लोग आपको नीचे भेज देते हैं। विल ट्राई लाइक
दे ट्राई देयर बेस्ट बट अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो डायरेक्ट डिसेंड करते हैं बिकॉज दैट मीन्स योर बॉडी इज़ नॉट रेडी फॉर हाई एल्टीट्यूड. सो नाउ गोइंग अगेन स्टार्टेड द वॉक. सी सब चलना शुरू हो गए हैं. मैंने भी पानी पी लिया और मैं भी निकल रही हूँ. चलो मेरे साथ. दे आर वॉकिंग डाउन. कशिश हाय बोलो. दैट्स कशिश, मयंक एंड हाय एंड निहाल. आई एम बैड विद नेम्स. तनिष्क कशिश को सब जानते ही हैं. ऑफ वॉकिंग लास्ट. एंड ये है हमारे ट्रैक गाइड दुर्गेश. तो चलिए. तो हम लोग उतने ऊपर से नीचे आए हैं एंड यहाँ पे एक नदी बह रही है. वी हैव टू क्रॉस दैट और कोई चढ़ना शुरू हो जाएगा ऊपर. बी केयरफुल. हाँ बीच में होगा हमारा ब्रंच. तो हैं बीच पराठे. जैसे ही भूख लगेगी तो रोटी चाय.